Hey guys, welcome back to my new vlog and my YouTube channel Deepak Jaiswal Vlog. कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस इधर जीजा जी आ गए ड्यूटी से और व्लॉग एडिट कर रहे हैं। इधर दोनों बच्चे क्या लेके आए? केक। केक खाओगे क्या? ला नहीं रहे हैं कार में से। अरे कार में है क्या? हाँ। तो गाइस ब्लॉग के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना, और आपके प्यार की बहुत जरूरत है। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और हमारा पुराना ब्लॉग जो जाओ आप लोग खूब ढेर सारा एंजॉय लो और खूब मस्ती लो और पहाड़ की वादियों का आनंद लो, और अच्छे अच्छे रील्स हमारे इंस्टाग्राम पे भी आए हुए हैं दीपक जैसा ब्लॉग के नाम से। ये फटाफट इंस्टाग्राम को भी आप लोग फॉलो करना यार। और सोना हमारी इधर लेटी हूँ। लेटी क्या कर रही हो? खाना क्या खाओगी आज? क्या खाऊंगी? पनीर। अच्छा जी, नहीं चिकन खाएगी? नहीं, नहीं चिकन नहीं खाएंगे, पनीर खाएंगे आज, चिकन नहीं खाना है। तो गाइस बने रहे ब्लॉग के अंत में, मिलते हैं आपसे कुछ देर में। अभी कुछ देखते हैं क्या बनता है, क्या आता है, तो मिलते हैं। वॉकिंग करें बेटा, थोड़ा सा पैर थक गया है। अच्छा, पैर थक गया है, शरीर भी थक गया, हम भी थक गए हैं, सोच रहे हैं कि कब का टिकट कटवाएं, कब जाएं घर पे, ये सब सोच रहे हैं। अच्छा, कितने दिन दिल्ली में रुके, कितने दिन ना रुके, और रुके भी क्या करेंगे और क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, उसी हम क्या यही सब सोच रहे हैं टहल टहल के। मम्मी भी अभी यहाँ है काफ़ी देर से, और घर पे भी कार्तिक भाभी सुना परी सबको इंतजार भी कर रहे हैं, और ड्यूटी भी जाना है, समझ सकते हो आप लोग। A few moments later. तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मम्मी हमारी आगे आगे चल रही हैं और मैं पीछे पीछे हूँ क्योंकि रात का समय हो चुका है। तो मम्मी को हम ले चल रहे हैं बिना भाई के रूम पे छोड़ने के लिए, और आज खाना मम्मी खाई हैं, और हम अभी तक क्या बताऊँ, मंदिर भी इधर सामने है। तो गाइस यहाँ पे देखिए कोमल क्या कर रही हैं, कि फ्रिज में सामान रख रही हो, क्या रख रही हो जी? किस चीज़ का? अच्छा, मार्केट से भाई, कच्चा सब्जी है। अच्छा, कच्चा सब्जी है, एक हफ्ते का सब्जी एक ही बार में आ जाता है, कौन बार बार जाएगा लेने के। हाँ, तो गाइस हम चलते हैं दीदी के घर पे, और कोमल यहाँ पे रात का समय चुका है, कितना बज रहा है भाई? यहीं सो जाएंगे ना, क्या दिक्कत है? नहीं सो सकते हैं, लेकिन जानते हैं दिक्कत होती है, तो चलते हैं दीदी के घर पे सोते हैं। कोई बात नहीं, चलते हैं, मिलते हैं सुबह आप लोगों से, बाय बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस शाम का समय हो चुका है, सुबह से कुछ नहीं शूट किए थे, और टाइम दे सकते हो 5:30। तू तो कुछ शूट कर रहा था, चले ब्लॉग क्या चलेगा आजकल, तो कोई काम ही चारी नहीं कर रही है। तो इधर सोनाची दूध पी रही थी, गिरा दी है आज सोनाची बॉटल से। ऋषभ को दूध मिला था पीने के लिए, लेकिन जानते हो ना जिसको पेट पर मिलता है तो अंगड़ा बहुत दर्दता है, अंगड़ा दर्द दिया था तो फिर सोनाची से हमने बोला सोनाची दूध बांट रहे, मतलब आपको लालच देकर, लालच देकर मैंने दिलाया था, बोली मम्मी याद कर देना, तो मम्मी का फोन आया था तो बोले कि पपीता लेते आओ, क्योंकि किसम बोला किसके लिए, तो बोले कोमल के लिए। पका पपीता? पका पपीता चाहिए, और क्या, कच्चा थोड़ा ना। तो डॉक्टर ने पता नहीं क्यों बोला कि पपीता खाना है, इसलिए खाना है कि लास्ट मंथ में देखो, शुरुआत में डॉक्टर मना कर देते हैं, बहुत डॉक्टर मना करते हैं, बहुत लोग नहीं मना करते हैं, तो लास्ट में इसलिए बोला जाता है, उनका टाइम पूरा हो गया है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने बोला है आप थोड़ा पपीता का सेवन करिए, तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, इसीलिए शुरुआत में प्रेगनेंसी में पपीता मना किया जाता है। तो चलते हैं हम मार्केट में, वो भी इनका एक हफ्ता का टाइम है, डॉक्टर बोला खा लो पपीता एक हफ्ता में, कुछ कुछ खा लो, नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो गाइस हम चलते हैं मार्केट, पहले खोजते हैं पर पपीता कहाँ मिलता है, क्योंकि मैं अनजान सा है, आया तो बहुत बार हूँ लेकिन मतलब मार्केट नहीं घुमा हूँ। अरे ऐसे जाओ कि सीधे साईं बाबा जो मंदिर नहीं है, सीधे गली चला जाओ, बाहर निकल जाओ, मदंगी की भी जाता है क्या? अरे हाँ, विराट के ही पट्टी फल का दुकान नहीं लगा रहा है, वही दरी। तो चलिए गाइस बने रहे ब्लॉग में, देखते हैं कहाँ मिलता है फल, आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं फल के दुकान पे, इधर आप लोग देख सकते हो इधर पपीता भी है, तो भैया से पूछते हैं पहले पपीता, भैया पपीता कैसे है, भैया पपीता कैसे है, पपीता दे दीजिए। तो हम पपाया ले, पपीता ले लेते हैं, और यहाँ पे बहुत से फ्रूट हैं,
अनार है, सेब है, केले हैं, और ये जम्मू में मिल रहा था, उसको बोलते हैं आलू बुखारा की क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। नाशपाती के साथ साथ ये फल गाइस मुझे और मिला है, ये फल का नाम नहीं पता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आंटी इसको, बबू घोसा। तो गाइस इसका नाम भी अजीब है और मुझे पता भी नहीं है, या नाशपाती जैसा दिख रहा है लेकिन वो है नहीं है। अच्छा ये सॉफ्ट होता है, तो हम पपीता ले लेते हैं गाइस भैया की दुकान से, तो 100 रुपये किलो भी बताया इन्होंने। भैया दे दो पपीता मेरे को, भैया अमरुद नहीं है क्या? अमरुद नहीं है यार, तो मांग रही थी, अमरुद मिल ही नहीं रहा है भैया, कितने 100 रुपये हुआ, तो पेमेंट कर देते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस मैंने बहुत से शॉप खोजा लेकिन अमरुद कहीं नहीं मिला, और किटो का अमरुद नहीं ले पाए, और बोले दुकानदार बोले भैया कि अभी तक सीजन नहीं आया इसलिए अमरुद नहीं आए, तो मैं केवल पपीता लेके जा रहा हूँ कोमल के रूम पे, और वहाँ मम्मी है, और डॉक्टर ने बोला कि लास्ट महीने पपीता खाने से क्या चीज़ें होती है मुझे जानकारी नहीं है, बना रही जैसे बताया है, बट चलते हैं मम्मी से पूछते हैं मम्मी क्या कहते हैं कि पपीता खाने से क्या होता है और डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला है। तो गाइस पहुँच गए इसके रूम पे हम दीना भाई के, और ये चौथे पाँचवें मंजिल पर ना चढ़ते चढ़ते हालत हो जाती है ख़राब और सीढ़ियों से चलना पड़ता है, फर्स्ट फ्लोर अब देख सकते हैं सीढ़ियाँ कितनी ऊँची ऊँची है, और उधर रास्ते में जो गमले रखे हुए हैं बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं पेड़ पौधों के साथ, उनका छत भी काफ़ी खूबसूरत है। तो ये तीसरे फ्लोर पे आ गए हैं, अच्छा गर्मी भी बहुत है यहाँ पे, चलते हैं बेल बजाते हैं फिर उनसे दरवाज़ा खुलेंगी तो दिखाते हैं, पहले भी दर्द बहुत कर रहे हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए रूम पे, तो गाइस रूम में प्रवेश कर चुके हैं और घर एसी चल रहा है, एसी का आनंद ले रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, और मैंने पपीता दे दिया है, उन लोग मम्मी भी काटती हैं पूछते भी है कि क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं होता, जैसे मैंने दे दिया, अब देखो काट के आ भी गया, तो लाया तुम्हारे लिए दे दो मुझे, हम तो खाते रहते हैं, हम नमक डाल के अच्छा लगे तो हम लाए तुम्हारे लिए, तो हमारे लिए गाइस आ गया है, चलते देखते कट मम्मी काट के रखी है, किसने काटा है मम्मी। तो ये रहा पपीता गाइस, उठ के बैठ जाते हैं, ये देख सकते हो आप लोग, तो नमक से खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, पहले हम खा लेते हैं फिर उन लोग को खाते ही रहेंगे, हाँ नमक डालेंगे हम। सो गाइस मम्मी इधर भिंडी काट रही हैं और कोमल पपीता खा रही हैं, तो मम्मी पपीता क्यों खाया जाता है, बना दी बता रहे थे कि जैसे लास्ट महीना वगैरह चल रहा है, लास्ट महीना चल रहा है, गरम है पपीता, गरम चीज खाना चाहिए कि बच्चे नॉर्मल डॉक्टर बोला है, और शुरुआत भी नहीं खाया जाता, जैसे एक दो महीना प्रेगनेंसी में नहीं खाया जाता है पहले, तो रात को यही चीज़ खाना बनेगी क्या, हाँ भिंडी की सब्जी बनाओगी, हाँ भिंडी का सब्जी पराठा, हाँ मैं बिना ड्यूटी गया है, हमें ही लोग तीन लोग हैं, एक दो तीसरा मैं और उधर बंदा जी देखते क्या बनाती हैं, हम तो गाइस कहीं भी खा लेंगे, यहाँ खा ले चाहे बंदा जी की खा ले। कल का टिकट निकल गया, टिकट नहीं है जी, ऐसे कैसे टिकट निकल जाएगा, अभी अभी नहीं जाना, अभी रुकना है, तो खा लो पपीता जी, उसके बाद गए जी यहाँ पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को पसंद आएगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मिलते हैं आप लोग से एक अच्छे नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, लव यू।